अच्छा भाई, तो अब ये जो मल्टी डायमेंशनल अरे है, इसमें टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, फोर डायमेंशनल और इस तरह आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस वक्त हम टू डायमेंशनल अरे को पढ़ने जा रहे हैं, और ये आप अपनी कसरत से इसको इस्तेमाल भी किया हुआ है कि टू डायमेंशनल अरे इज समथिंग लाइक दैट कि एवरी इंडेक्स शुड बी रिकग्नाइज बाय द टू एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ द वन एलिमेंट। जैसे लीनियर अरे था ना, तो ये लीनियर एरे थे ना, तो लीनियर एरे के किसी भी इंडेक्स को हमें पॉइंट आउट करने के लिए 1, 2, 3, 4 इनफ था, और हम कहते थे L(a)(1)। तो ये हमारे लिए इनफ था कि हम इस तरह लिखते हैं। लेकिन टू डायमेंशनल एरे में अगर मैं इस वाले इंडेक्स को जो हमें नजर आ रहा है इस वक्त, किसी भी इंडेक्स को पॉइंट आउट करना चाहूँ, तो मैं अगर इसको कहूँ कि ये 2 है, तो ये इनफ नहीं होगा। वो बोलेगा 2, तो फिर ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 के साथ और भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी हमें। तो कह रहा है कि किसी भी टू डायमें अब मैं 2 की बात कर रहा हूँ, टू डायमेंशनल एरे, मल्टी में टू डायमेंशन हो गया। टू डायमेंशनल एरे को अगर एक्सेस करना है तो हमें कम अज कम, अगर टू डायमेंशनल है तो इंडेक्स भी 2 एलिमेंट पे कंसिस्ट करेगा, एक बताएगा किस रॉ पे है, एक बताएगा किस कॉलम पे है। ये वाला जो है पहला रॉ, हमने गलत कह गया था, ये रॉ नंबर, ये तो ये पहला रॉ है और दूसरा कॉलम है, ये दूसरा रॉ है और दूसरा कॉलम है, ये तीसरा रॉ है और दूसरा कॉलम, कॉलम सेम है, यहाँ फोर्थ रॉ है और कॉलम। अगर अगर तो हमने इस तरह पहले रॉ को रीड कर रहे हैं, समटाइम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले कॉलम को रीड करते हैं, तो ये तो डिपेंड करेगा कंपाइलर। लेकिन जो जेनरिक मैथमेटिकल रूल है जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ के आए, उसमें पहला जो है हमेशा रॉ को और दूसरा कॉलम को। तो अगर कोई कहे कि ये क्या होगा, तो कहेंगे कि अगर इसका नाम एम ए है, मल्टी डायमेंशनल एरे, पहले एल ए कह रहे थे अब एम ए कह रहे हैं, तो अगर इसका नाम एम ए है, तो जो जिसको आपने लोकेट किया है इस वाले को, इसको इंडेक्स करने के लिए हम यूज करेंगे थर्ड रॉ और फोर्थ कॉलम, तो जाएगा 3, 4, यूं भी लिख सकते हैं, गौर से देखना क्या लिख रहा हूँ, 3, 4। कुछ लोग लिखते हैं एम ए, ये मैं एल्गो की बात कर रहा हूँ, 3 और दूसरे इंडेक्स में 4, यानी 3, 4 यू भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लोग जो अभी बुक ने किया होगा वो हम कर लेंगे, ठीक। और इस तरह से आप किसी भी लोकेशन पर मूव कर सकते हैं। अब अगर इसके अंदर ट्रेवर्सिंग करनी हो हमें बारी बारी, तो ट्रेवर्सिंग का कोई रूल होगा। एक तरीका तो ये है कि पहले आप इसको, यानी रॉ बाई रॉ या कॉलम बाई कॉलम, तो आप कहते हैं भाई मैं इसको रॉ बाई रॉ करूंगा, पहले रॉ को पहले करूंगा, तो पहले आप इसको इस एलिमेंट को देखेंगे, फिर 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 नीचे उतरेंगे, फिर इस एलिमेंट को, फिर इस एलिमेंट को, और इस तरह से आप ट्रेवर्स करते चले जाएंगे सारे एलिमेंट। और अगर कॉलम बाई कॉलम करेंगे तो पहले इस एलिमेंट को, फिर इस एलिमेंट को, फिर इस एलिमेंट को, फिर इस एलिमेंट, और उसके बाद फिर यहाँ जाएंगे। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर वे है वो रॉ बाई रॉ है, पहले एक रॉ के सारे एलिमेंट देख लें, फिर दूसरे रॉ पे चले जाएं, लेकिन कर हम दोनों सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट पॉपुलर रॉ पे। अब आपको पता है कि जब मल्टी डायमेंशन यानी टू डायमेंशन को देखेंगे, तो 2 फॉर के लूप लगेंगे किसी भी चीज को, पहले 1 फॉर के लूप से आप मूव कर जाते थे, अब 2 फॉर के लूप लगेंगे किसी भी चीज को मूव करने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि पहला फॉर है फॉर, ठीक, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर, मुझे नहीं पता कि इसका साइज कितना है, अब इसमें अपर और लोअर बाउंड की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अब इसका साइज हम लिख लेंगे यहाँ पे, मिसाल जो भी साइज है 1 से लेकर और एन साइज तक, यानी इसके रोज जो है वो एन है, ये रोज बता। और दूसरा फॉर इसके अंदर चलेगा फॉर, और मैं कहता हूँ जे इज इक्वल टू 1 से लेकर, और मैं कहता हूँ इसके नंबर ऑफ कॉलम एम है, और अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ प्रिंट, मिसाल के तौर पे अगर नहीं समझ आए तो पूछ लेना प्रिंट, और मैं कहता हूँ कि मेरे एरे का नाम मल्टी डायमेंशनल एरे है, यानी एम ए है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ आई कॉमा जे, अगर मैं कॉमा की तरह चल रहा हूँ, इसका मतलब है कि क्या चीज प्रिंट होगी, ये बारी बारी क्या प्रिंट करेगा। तो हम कह रहे हैं कि ये वाला रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो चीज पहले लिखी है वो रॉ है, और ये वाला जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को कर रहा है,
ठीक है, ये कॉलम को कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। अब ये काम क्या करेगा, ये प्रोसेस है, ये बेसिकली ट्रेवर्स करेगा और उस लोकेशन पे रखे हुए डेटा को प्रिंट कर देगा। मिसाल के तौर पर पहले यहाँ से आई की वैल्यू 1 ली, ये आपको आते हैं, मुझे पता है क्योंकि फंडामेंटल में कसरत से पढ़ाया जाता है। आई की वैल्यू 1 ले ली और जे की वैल्यू भी इनिशियल 1 हो गई, तो ये हो गया लोकेशन 1 1। तो 1 1 का मतलब है ये वाली लोकेशन पे जो डेटा है वो प्रिंट हो गया। उसके बाद ये वापस आई के पास नहीं जा सकता जब तक जे कम्प्लीट ना हो जाए, ये आपको मालूम है। तो इसका मतलब है आई रॉ नंबर 1 को इसने पकड़ लिया और ये आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अब ये अगले वाले कॉलम पे चला जाएगा, यानी इसी रॉ के अगले एलिमेंट पे, तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1,2 यानी ये वाला एलिमेंट कॉपी यानी प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी के तीसरे एलिमेंट पे जे की वैल्यू 3, इसी के चौथे एलिमेंट पे जे की वैल्यू 4। ये बात समझ आ गई, इस तरह से आपने इसको जो है मूवमेंट करा दी, कोई इशू तो नहीं है, ये मूवमेंट हो जाएगी। उसके बाद जब जे अपने फाइनल कॉलम तक चला जाएगा, एम तक चला जाएगा, तो फिर ये नीचे आएगा, क्योंकि ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये वाला फॉर खत्म होगा, ये फॉर खत्म होगा तो आई के पास जाएगा, आई दोबारा 1 के बजाय 2 पे चलेगा। 2 का मतलब ये हुआ कि सेकंड रॉ पे, अब आई सेकंड के लिए फिक्स हो जाएगा यहाँ पे 2 के लिए, और जे दोबारा 1 से चलना शुरू होगा। तो 2,1 दूसरा रॉ पहला कॉलम, दूसरा रॉ पहला कॉलम, ठीक है, ये चलना शुरू हुआ और यहाँ पे ये दूसरा रॉ पहला कॉलम। उसके बाद जब ये दोबारा जे के पास जाएगा तो दूसरा रॉ दूसरा कॉलम ये वाला आ जाएगा, दूसरा रॉ तीसरा कॉलम ये आ जाएगा, और 100 जब एम तक चल जाएगा। मैंने एम इसलिए लिखा, मुझे नहीं पता कितने रॉ कितने कॉलम है इसके, एम और एन कर दी और फिर दोबारा आई के पास आए, और इस तरह ये वर्किंग जो है वो चलती रहे। और अगर आपने वाइस वर्सा लिखना है कि आप चाहते हैं कि ये बेस्ट तरीका है और यही आपने भी ज्यादातर यूज किया, लेकिन आप चाहते हैं कि कॉलम बाई कॉलम रूट करें, आप इसको जे बना दें और इसको आई बना दें, ठीक है ना, इसको जे बना दें और उसको आई बना दें। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे के सही लिखा मैंने, नहीं इसको इसको आई जे ही रहने दें और इसको जे बना दें, इसको आई बना दें, मेरे ख्याल बहुत ही खिचड़ी बनते हैं, इसको हम सही कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको क्लियर तरीके से सर। इनके इंडेक्सिंग में थोड़ी सी चेंजेस होगी तो आपको समझ आ जाएगा क्या, यानी इसको अगर मैं मुझे भी नहीं पता है, मैं तो गलत हूँ, सही कर लेंगे इसको, मैं भी देख के बता, इसको आई कर लेते, इसको जे कर लेते हैं, इसको आई जे लेने दें, इसको आई और इसको जे, ठीक है। अब अगर कॉलम पे कॉलम रीड करेंगे तो पहले जे 1 हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा, तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो ये वाला ही रीड हो जाएगा जो हमारे नजर आ रहा है, यानी जो हम यहाँ देख रहे हैं वो ही रीड हो जाएगा पहला वाला बॉक्स, ठीक हो गया। अब अगर दोबारा जाएंगे तो आई की वैल्यू में चेंज होगा, आई 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 और ये अपनी जगह पे 1 ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा 2 1। 2 1 का मतलब कौन सा बॉक्स, ये वाला बॉक्स, हम समझ में आ रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। और अगर फिर दोबारा वापस आएंगे, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 1 3 1 का मतलब ये वाला बॉक्स, फिर 4 1 तो ये वाला बॉक्स, और जब आई खत्म हो जाएगा अपने एम तक में जाके फिर जे के पास जाए, जे 2 हो जाएगा, जे जैसे ही 2 होगा तो आई दोबारा 1 से शुरू होगा, तो 1 2 1 2 यानी पहले रॉ के दूसरे कॉलम में ये वाला एलिमेंट 1 2, फिर उसके बाद 2 2 ये वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 2 3 2 का मतलब ये आ जाएगा, और इस तरह से ये कॉलम में नीचे की तरफ जाके रीड, यानी इंस्टेड ऑफ तक ये रॉ बाय रॉ रीड कर रहा है, कॉलम बाय कॉलम रीड कर रहा है। तो इस तरह से ये आपकी मर्जी है, मतलब इसमें कोई मतलब मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि हम इस तरह काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एरे, स्पेशली बाय द 2 डायमेंशनल एरे, कि 2 डायमेंशनल एरे कैसे काम करता है उसका हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया, कि वी नीड द 2 इंडेक्सेस एंड वी कैन एक्सेस ईच सेल बाय यूजिंग द 2 इंडेक्स रॉ एंड कॉलम इन बेसिकली एल्गोरिथम वी यूज द नंबर ऑफ रॉ द एलिमेंट ऑफ रॉ इज फर्स्ट एंड देन कॉलम। तो इसलिए जब भी आप इंडेक्सिंग करते हैं पहले हो सकते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये उलट हो, ये आपको देखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर के ऊपर बेसिस पे डिपेंड करेगा, कि किसी में कोई कॉलम तो पहले रीड नहीं होता, वैसे मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रॉ पहले रीड होता है। अब ये सारी बातें इसने यहाँ पे बताई, मैं स्किप कर रहा हूँ और इसको स्किप करने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हम लोग मेरा ख्याल है कोड में, मुझे ऐसा लगता है कि कोड में जो है ना वो मैं बता देता हूँ कि जो इंडेक्सिंग का तरीकेकार अख्तियार करेंगे वो ये करेंगे, एक बॉक्स में रॉ लिखेंगे और अगले बॉक्स में कॉलम लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे कॉमा के बजाय, क्योंकि बुक ने इसी तरह फॉलो किया, तो
कोई बात नहीं, जिस तरह बुक करेगा उस दिन कर लेंगे। ये सारी बातें हम स्किप कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो टू डायमेंशनल एरे है, जैसे मिसाल के तौर पर पहले मैंने आपको बताया था, ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन हमें इसको यूज नहीं करना आगे किसी भी प्रोग्रामिंग में, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के लिए ये बात है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि जब आपके पास एक मेमोरी में आपका आप एक एरे इनिशियलाइज करते हैं लीनियर, तो वो मेमोरी की लोकेशन पे आ जाता है और फिर उसके बाद ये मैप होता है यहाँ से, ठीक है ना। ये इंडेक्स नंबर वन जो है, जो बेस इंडेक्स है, ये कंपाइलर में जाके स्टोर, कंपाइलर के डेटा स्ट्रक्चर में जाके स्टोर हो जाता है बेस एड्रेस। ये मैं पूरी उसकी डिटेल बता चुका हूँ, आप उसकी वीडियो दोबारा देख लेना तो आप समझ आ जाएगा। बेस इंडेक्स जो है वो बेसिकली एरे का वो यहाँ स्टोर हो जाता है, बाकी किसी की जरूरत नहीं होती। और इसके बाद इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री, इंडेक्स फोर, इंडेक्स फाइव, इस तरह से ये कंटीजियस होते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि मेरे पास टू डायमेंशनल एरे है, और ये टू डायमेंशनल एरे को अगर मैं स्टोर करने के लिए जाऊंगा तो ये मेमोरी में कैसे नजर आएगा। अब देखो कैसे नजर आएगा, हमें जरूरत ही नहीं है, जब कोड लिखेंगे तो उसकी हमें क्या जरूरत है। अगर इसका साइज m इंटू n है, यानी m रोज है, n कॉलम्स है, तो अब ये कैसे मेमोरी में होगा। तो ये कैसे मेमोरी में होगा, आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इस्तेमाल नहीं कर, कैसा स्टोर हो रहा है, क्या तरीके का है। लेकिन वही बात कि अगर आप कोर कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, कभी आपको मौका मिलता है कि आप ऐसी जगह हो जाओ जहाँ पे ये चीजें बन रही हैं, एरे बन रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन रही है, आप तो यूज कर रहे हैं और आप तो यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एरे जो टू डायमेंशनल एरे ये कैसे स्टोर होगा। तो जो टू डायमेंशनल एरे है, इसके दो तरीके हैं स्टोर होने के। एक तरीका है कॉलम बाय कॉलम, ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड बेसिकली कॉलम मेजर, और एक तरीका है रॉ बाय रॉ, व्हाट इज कॉल्ड बेसिकली रॉ मेजर। दोनों सेम है, दोनों की कोई कंपाइलर टू कंपाइलर चेंज होता है, लेकिन चाहे आप कॉलम मेजर में यूज करें या रॉ मेजर में यूज करें, तो ये इनमें फर्क क्या है मैं आपको समझाऊं। फर्क ये है कि आपके पास जो है वो मिसाल के तौर पे ये एरे है, ठीक हो गया, और इसके अंदर ये बेसिकली आपके पास एक एरे है जिसका साइज जो है, एज्यूम कर लेते हैं कि ये एम एन है, एम रोज है और एन कॉलम्स है। जब हम कॉलम मेजर में स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर, ये जो मेन मेमोरी है, और हम इसको कॉलम मेजर में लेके जाते हैं, तो कॉलम मेजर का मतलब ये होता है कि इसका जो पहला कॉलम है ना, ये वाला कॉलम ये पहले जाके यहाँ पे स्टोर होता है, इंटरेस्टिंग, ठीक है, जैसे लीनियर में स्टोर हुआ था, तभी तो मैंने कहा था कि लीनियर को कॉन्किटिनेट कर दिया है तो मल्टी डायमेंशन वाला है, इस वजह से कहा था। उसके बाद इसके ऊपर ये पहला कॉलम है, इसके बाद ये वाला कॉलम जो होगा, छोटा हो गया ये कॉलम, ये कॉलम जो होगा वो इसके ऊपर जाके लग जाएगा, ये मेमोरी में इस तरह स्टोर होता है। उसके बाद जो तीसरा कॉलम होगा वो इसके ऊपर जाके लग जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि मेमोरी में ये बॉक्स फॉर्मेट में जाएगा, लीनियर जाएगा, और चौथा कॉलम इसके ऊपर जाके लग जाएगा, यानी मेमोरी में जगह होगी तभी तो। और हर अगर ये इंटीजर है तो दो बाइट ले रहा होगा, ये दो दो बाइट की यहाँ पे जो है वो वर्किंग हो रही होगी, जबकि बीच में एक बाइट स्किप हो रहा होगा, एड्रेस तो होगा लेकिन इंडेक्स के लिए वन इंडेक्स है तो दो बाइट ले रहा, चार बाइट है तो चार बाइट में से तीन बाइट स्किप हो रहे होंगे, जो हमने पहले डिस्कस किया, ये कॉलम मेजर। और अगर रॉ मेजर होता ये, तो रॉ मेजर जो है वो कुछ इस तरह से स्टोर होगा कि ये जो पहला रॉ है वो बेसिकली यहाँ पे स्टोर होगा, देखने में ऐसे ही लगेगा चाहे आप जिस तरह भी देखें, लेकिन ये पहले रॉ की वैल्यू जाएंगी, ये वाला रॉ स्टोर होगा, फिर उसके बाद अगला नंबर ऑफ रॉ ये वाला रॉ यहाँ जाके स्टोर होगा, फिर उसके बाद ये वाला, ये रॉ में है, ये रॉ बाय रॉ इस तरह लग जाए या कॉलम बाय कॉलम इस तरह। अब यहाँ पे एक इशू है, यानी इन्होंने डायग्राम तो शो कर दी होगी मेरे ख्याल में, देखिए यहाँ पे ये तो दो चीजें समझा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए दिस इज कॉल्ड कॉलम मेजर, तो देखिए कॉलम मैंने नीचे से लिखा था, उन्होंने ऊपर से कर दिया, कोई इशू नहीं है, कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर थ्री, कॉलम नंबर फोर, और ये देखिए इन्होंने इसकी सेल नंबर भी लिखे हुए, यानी सेल नंबर से मुराद ये है कि ये एक ऐसे एरे को लिया गया है जिसमें फोर कॉलम है और थ्री रोज है, मैं आपको दिखाता हूँ, यानी इसके थ्री रोज हैं और चार कॉलम है, ये एक एरे है थ्री बाई फोर का। अब इंटरेस्टिंग देखना मैं तुम्हें समझाता हूँ,
ये कैसे रखा है, ये इस एरे का बेसिकली गेम है। और इसने कहा कि इसका अब अगर कॉलम पे कॉलम मेजर रखते हैं, कॉलम मेजर पे जाते हैं, तो आपको मैंने बताया था ना कि पहले वाला कॉलम पहले स्टोर होगा। इन्होंने ऊपर से शुरू किया था, ऊपर से देख लेते हैं इस सेल का क्या, इस सेल की इंडेक्स क्या होगा, 1 1 होगा। इस सेल का इंडेक्स क्या होगा, 2 1 होगा। इस सेल का इंडेक्स क्या होगा, 3 1 होगा। कोई चीज समझ नहीं है, रेस कर लेना है। और अगर कॉलम मेजर है तो ये वाला कॉलम पहले जाके स्टोर होगा। तो देखो ये कॉलम पहले जाके स्टोर हुआ है, ये कॉलम जो स्टोर हुआ है, ये कॉलम जो स्टोर हुआ है, इसकी इंडेक्सिंग देखें, इंडेक्सिंग मेमोरी की एड्रेसिंग नहीं, इंडेक्सिंग। पहला जो है वो 1 1 आया, दूसरा 2 1 और तीसरा 3। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद इसके नीचे कंटीजियस फॉर्मेट में दूसरा कॉलम जाएगा। दूसरे कॉलम की जरा इंडेक्सिंग देखें क्या है, ये क्या होगा 1 2, ये क्या होगा 2 2, और ये क्या होगा 2 3, नहीं 3 2। देखिए ये यही आ रहा है दूसरे दूसरे वाले के अंदर, 1 2 2 2 और 3 2। एंड सिमिलरली थर्ड एंड सिमिलरली फोर्थ, ये मेमोरी के अंदर मौजूद। और अगर रॉ मेजर होता तो रॉ मेजर में पहले ये वाला रॉ जाता और स्टोर होता, ये 1 1 1 2 1 3 1 4। देखिए पहले क्या स्टोर हुआ, 1 1 1 2 1 3 1 4। और उसके बाद फिर क्या होता है, इसके साथ कंटीजियस कौन सा लगता, 2 1 2 2 2 3 2 4। समझ में आए थे। अब अगर कोई ये कहता है, ये तो समझ में आ गई ना डायग्राम से, समझ देखो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको, अब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई होने वाले ऑपरेशन ट्रैवर्सिंग सर्चिंग व्हाटएवर, फिर उसके बाद टाइम कॉम, चार चीजें हमें पढ़नी। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में एक चीज बाकी है कि अगर कोई कहता है कि एम ए और मुझे 3 2 लोकेशन पे एक्सेस करना है, अगर मैं कॉलम मेजर पे खड़ा हूँ मिसाल के तौर, चाहे इस पर चाहे मैं कॉलम मेजर पे हूँ और मुझे 3 2 को एक्सेस करना है, तो 3 2 जो है वो मैं कैसे एक्सेस करूँगा। तो इसका मतलब है कि ये तो बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन पे होगा, मेमोरी की लोकेशन भी मैं ऊपर से लेस वाले शुरू करूंगा, ठीक है ना, ताकि हमें आसानी हो। यानी यहाँ पे ये लोकेशन 0 0 है, ये लोकेशन जो है वो 0 0 1 है, हर एक बाइट का है, ये लोकेशन 0 0 2 की है। इसी तरह ये वाली लोकेशन जो है इसका जो पहला इंडेक्स है, मिसाल के तौर पर 0 0 6 पे आ गए, तो ये वाली लोकेशन अगर दो दो बाइट ले रहा है, दो दो बाइट ले रहा होगा, तो ये लोकेशन वैसे तो यहाँ पे 5 की लोकेशन भी आएगी, लेकिन एरे के हिसाब से ये लोकेशन 0 0 8 हो जाएगी, जबकि 7 यहाँ पे कहीं होगी लेकिन वो इंडेक्स के अंदर यहाँ पे शामिल होगी। इसी तरह ये वाली लोकेशन जो है वो 0 0 10 हो जाएगी, दो दो बाइट के हिसाब से आगे बढ़ने, क्योंकि इंडेक्सिंग एरे की दो दो बाइट की है। और ये 0 0 12 हो जाएगी, इसी तरह से ये 0 0 14 हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, ये ध्यान रखने के हमने मेमोरी को एक एक बाइट, मेमोरी की एड्रेसिंग एक एक बाइट की है, ऊपर से आ रही है, लेकिन अचानक दो दो बाइट में इसने कर दी कि एरे की इंडेक्सिंग दो दो बाइट शो करनी, जबकि बीच में इंडेक्सिंग यहाँ पे एरे का एरे की मेमोरी की लोकेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, हम शो नहीं कर रहे खाली यहाँ आसानी के। अब अगर कोई कहता है 3 2 को बताओ कहाँ होगा, अब 3 2 कहाँ होगा, तो 3 2 हमें नजर आ रहा है, 3 2 ये रहा। देखा जाए तो 3 2 हमें मिलेगा जाके 0 0 16 और 0 0 18 लोकेशन पे। मैंने 3 2 आक्स किया है तो कंप्यूटर को तो 3 2 यानी कंपाइलर को 3 2 समझ में आया, इसने कहा कि मेमोरी लोकेशन एक्सेस करो इसका कहाँ पर है ये, तो मेमोरी लोकेशन इसकी 18 है, जो कंटीजियस फॉर्मेट में इसको मिला 18 मिला। तो ये 18 कैसे मिलेगा, इसका कोई फॉर्मूला होना चाहिए, जैसे हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा, ये बात क्लियर हो रही है बिल्कुल। इस तरह से इसमें भी यही बात हो रही है कि 3 2 अगर हो रहा होगा तो 3 2 जो है वो ये रहा, तो इसका जो एड्रेस बनेगा वो एड्रेस कैसे मिलेगा, मेमोरी एड्रेस कैसे मिलेगा हमें, सवाल यहाँ पे ये। तो मेमोरी एड्रेस कैप्चर करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है वो हम यहाँ देख लेते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गई ना, इफ यू आर गोइंग टू एक्सेस एनी स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द एरे इन द कॉलम मेजर और रॉ मेजर एनी ऑफ द बेसिकली मेथड, सो वी हैव टू फाइंड द मेमोरी लोकेशन, नॉट एंड इंडेक्स इज फॉर यू एंड मी ना, इंडेक्स जो है पहले हमारे आपके लिए एक्चुअल में बेसिकली ये चाहिए। तो हमें क्या पहले से पता होना चाहिए ताकि हम ये काम कर लें, तो कहता है देखो भाई इसमें हमें पता ये होना चाहिए,
ये इसका जो है वो कौन सा है, ये इसका फॉर्मूला है कि इफ यू आर फाइंडिंग द लोकेशन मेमोरी लोकेशन ऑफ एरे ए जे के, जे के का मतलब है ये रॉ ये कॉलम। इस वक्त हमने जे के इसको कहा था 3-2, मिसाल है ये 3-2 कहा था, तो 3-2 लोकेशन ढूंढने हैं, 3 के मतलब जे 3 और के 2, इसलिए फॉर्मूले में एडजस्ट करने हैं हमें। अब वो ये करने के लिए कहता है कि आपको बेस एड्रेस बताना चाहिए। बेस एड्रेस क्या होती है, जिसे कहते हैं कि पहले सेल कहाँ पे स्टोर हुआ है, ये कंपाइलर के डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होगा, ठीक हो गया। प्लस दूसरी क्या चीज बताना चाहिए कि हर सेल कितने साइज का है, तो ये तो कंपाइलर को पता होगा, ये भी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होगा, हर सेल कितने साइज का है, ये पहले बता चुका हूँ तुम लोग को। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि एम ठीक है मल्टीप्लाई बाय के माइनस वन, एम का मतलब है अगर ये बात हो रही है कॉलम मेजर के लिए, तो हमने कहा था कि एरे का साइज जो है, एरे का साइज जो है वो एम इंटू एन है। एम रोज को कह रहे हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो है, और कॉलम जो है वो एन को कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अगर थ्री, अगर ये 4x3 का मैट्रिक्स है तो एम की वैल्यू 4 है और एन की वैल्यू 3 है, ये फाइनल नंबर ऑफ आखिरी सेल का नंबर या इसका साइज है बेसिकली। तो इसका मतलब है यहाँ पे एम की बात हो रही है, एम का मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे कॉलम मेजर में रो इस्तेमाल करेंगे, तो एम ठीक है। और आपने कहा कि के, के का मतलब है जो लोकेशन आप ढूंढ रहे हैं वो माइनस वन, और जे माइनस वन जो लोकेशन आप ढूंढ रहे हैं वो माइनस वन, तो ये आप यहाँ पे इसको कह देंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, या कि मिसाल के तौर पे अगर हम अपने पिछले वाले एग्जांपल के तहत काम करें जो अभी हमें थोड़ी देर पहले दिखाया गया था, उसके तहत अगर वर्किंग करें इसी के लिए, ये वाले के लिए, तो आपको आसानी समझ आ जाएगा कि मिसाल के तौर पे कि इसका मेमोरी एड्रेस जो है वो ये हमारी मेन मेमोरी है, और इस वाले एरे का साइज जो है आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि 3.4 है, 3.4 इसका मतलब है कि एम जो है वो 3 है और एन जो है वो 4 है, ये समझ आ गए। और आपसे कहा गया था कि लोकेशन ऑफ ठीक है ए ऑफ, आपको थोड़ी पहले बताया मैंने 3.2 फाइंड करना था, इसका मतलब है कि पीछे वाले फॉर्मूले के मुताबिक जो हम लोकेशन देख रहे हैं उसमें जे जो है वो 3 है और के जो है वो 2, ठीक हो गया, जे 3 है और के 2 है, ये समझना, ये के है, लोकेशन ऑफ जे के हम निकाल रहे हैं, जे के यानी लोकेशन ऑफ फॉर्मूले में है जे कॉमा के और एम एन 3, ये फाइनल एड्रेस है। तो बात समझने पूछना, अब फॉर्मूले में अगर इसको रखेंगे तो हमने कहा था कि अगर इसका बेस एड्रेस यहाँ पर 0000 मुझे नहीं याद कि क्या दिया था, अगर मिसाल के तौर पर 4 है बेस एड्रेस जो उसको पहले एड्रेस मिला था पहले सेल को 1-1 को, तो यकीनन दूसरे वाले सेल को मिला होगा 006, तीसरे को मिला होगा 008, चौथे को मिला होगा 00010, फिर मिला होगा 0012, फिर मिला होगा 0016, राइट। यानी हमारे, हमने बकायदा सॉल्व करके देख लिया कि इसकी लोकेशन 16 होगी 3-2 की, हमने 3-2 आस्क किया ना, तो 3-2 की लोकेशन 16 होगी। ये मैं चाहता हूँ कि हम फार्मूले से सॉल्व करें। फार्मूला आपको क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फार्मूला येलो कलर में लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला ये कहता है कि आप जो हैं वो एक लोकेशन मेमोरी का हासिल कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक्सेस करने के लिए कहा था कि ए की यानी एरे ए की 3.2 लोकेशन एक्सेस करवा दो, ये कहा था आपने, बात है 3.2। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि पहले आप बेस एड्रेस लिखें, तो बताओ बेस एड्रेस क्या है इसका, 4 प्लस, ठीक। फिर फॉर्मूले में आता है W, वर्ड साइज, हर सेल कितने साइज का लिया है आपने, इस वक्त हमने 2 का लिया है, तो 2 ब्रैकेट
फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है, वो देखते रहो। एम एम है फॉर्मूले में, एम का मतलब है फाइनल नंबर ऑफ कॉलम, रोज कितनी है थ्री, फिर ब्रैकेट, फिर फॉर्मूले में जे माइनस वन, जे का मतलब है कि आपकी किस रॉ को एक्सेस करने के लिए कहा गया है, तो आप कहेंगे कि हम सॉरी के माइनस वन, के का मतलब है कौन से कॉलम को एक्सेस करने के लिए कहा गया, तो आप कहेंगे टू को कहा गया, तो टू माइनस वन, और उसके बाद फॉर्मूले में प्लस है, और उसके बाद फॉर्मूले में जे माइनस वन, जे का मतलब है किस एड्रेस को आपने क्रॉस को एक्सेस करने के लिए कहा है, तो आप कहेंगे थ्री, थ्री को क्या है, तो थ्री माइनस वन, फॉर्मूले का माइनस वन लगा दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 16 आना चाहिए, क्योंकि हमें 16 नजर आ रहा है आंसर में, तो कहेंगे फोर प्लस टू ब्रैकेट, टू में से वन माइनस करेंगे वन, थ्री, और प्लस थ्री में से वन को माइनस करेंगे टू, तो ये आ गया विच इज इक्वल टू फोर थ्री टू फाइव, फाइव टू जो टेन, ठीक है, और टेन और फोर कितना हो गया फोर्टीन, तो इसका मतलब है कहीं पे हमने ये गड़बड़ की है। बेसिकली गड़बड़ ये की है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट है ना, ये बेसिकली एक्सेसिंग है इसकी 16, बल्कि नहीं, जो यहाँ पे हिट होता है ना, ये इसका एड्रेस होता है, यानी थ्री टू का एड्रेस ये है, ये एड्रेस जो है वो वन थ्री का, देखो ऊपर वाले को एड्रेस कह रहे हैं, ये एड्रेस है फोर वन वन का, ये एड्रेस है सिक्स टू वन का, ये एड्रेस है थ्री वन का, ये एड्रेस है वन टू का, ये एड्रेस है टू टू का, और ये एड्रेस है किसका, थ्री टू, और कितना है 14 है, और हमारा आंसर भी कितना है 14। इसका मतलब है कि हमें ये फॉर्मूला अगर दिया जाए तो हम टू डायमेंशन एरे के किसी भी लोकेशन को बआसानी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह एक्सेस होता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये रहा। इस फॉर्मूले में कोई बात ऐसी नहीं जो समझना है, तो कोई अगर नहीं समझ आए तो पूछ लो। इसमें बेस एड्रेस बता दिया मैंने आपको, कंटीजियस उनके कॉलम बाई कॉलम है, वर्ड साइज सेल का साइज एम, जो हायर नंबर ऑफ रोज होंगे, के जो एक्सेस करने के लिए कॉलम पूछा जाएगा, और जे यानी जो एक्सेस करने के लिए रॉ पूछा जाएगा। सॉल्व करोगे आपको कॉलम मेजर के अंदर किसी भी स्पेसिफिक सेल को एक्सेस करने का फॉर्मूला पता चलता है, और यानी वो एड्रेस बन जाएगा मेमोरी में। और अगर ये रॉ बाई रॉ है, यानी रॉ मेजर है, तो सिर्फ फर्क कहाँ आ रहा है, जे के तो वही है बेस एड्रेस डब्ल्यू, यहाँ पे एम की जगह एन आ जाएगा और के की जगह जे आ जाएगा, और यहाँ पे जे की जगह बस ये फॉर्मूला लगाओगे आपको वो लोकेशन एक्सेस हो जाएगी जो लोकेशन आप मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेस एड्रेस, ठीक है, बेस एड्रेस का मतलब है, समझ गया ना, कि जहां पर जगह मिलना शुरू हुई पहला सेल को, ये भी बता रहा हूँ मैं कि ये चीज कहाँ स्टोर, देखो इसमें सिर्फ दो चीजें स्टोर हो हम सारा काम कर लेंगे, बाकी तो यूजर खुद इनपुट दे रहा है। क्या चीजें स्टोर हो, कि हमें जब हमने इंटीजर करके अपने एरे इनिशियलाइज कर रहे थे, चाहे सी शार्प हो चाहे सी हो, ये ए ऑफ, मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, ए ऑफ ठीक है थ्री कॉमा फोर, ये एरे जब मैं इनिशियलाइज कर रहा था तो इसको कॉलम मेजर के हिसाब से जो बेस एड्रेस इसका एलोकेट हुआ था वो बेस एड्रेस मेमोरी का स्टोर हो गया था कंपाइलर के डेटा स्ट्रक्चर में। और डब्ल्यू जो है वो अगर हम ये सी शार्प यूज कर रहे हैं तो 4 byte, और अगर हम सी टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो बेसिकली ये 2 byte का होगा, ठीक हो गया। उसके बाद एम जो है वो इस एरे का मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये जो के है जिस लोकेशन का एक्सेस चाहते हो उसका कॉलम होता है ये, और जिस लोकेशन का एक्सेस चाहते हो उसका रो होते हैं, तो वो तो यूजर खुद ही दे रहा है रो कॉलम जिसका वो एक्सेस चाहता है, जैसे कि देगा लोकेशन एक्सेस हो जाएगा फॉर्मूले से, ठीक है। मैं सवाल पढ़ लेता हूँ, तो कहते हैं सर बेस एड्रेस हम अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम नहीं कर सकते, ये अगर तो कंपाइलर कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर कर रहा है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से मेमोरी में देखते हुए कि कहाँ जगह दी जा सकती है वहां पे बेस एड्रेस बनाता है, क्योंकि कंटीजियस होता है ना, तो इतना लंबा एरिया हमें चाहिए होता है कि ऐसा ना हो कि बीच में तो ऐसी जगह दे दे, क्योंकि मेमोरी रेंडम होती है, चंक्स में डेटा जगह जगह स्टोर होता है, तो इतना बड़ा एरिया चाहिए होता है जहाँ पे पूरा एरिया जो है आपको एम्प्टी मिल जाए, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प लेना जरूरी होता है कंपाइलर, तो फिर वो जगह मिलती है। यानी अगर आपके पास ये मेमोरी है तो ये मेमोरी में कभी हो सकता है कि यहाँ तक का डेटा फेल हो, फिर ये जगह खाली हो, ठीक है, फिर हो सकता है कि फिर जगह फिल हो, फिर बहुत बड़ी जगह खाली हो, तो इस तरह से मेमोरी में
तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि मैं जगह कहाँ दे सकता हूँ, उस बेसिस पे बेस एड्रेस बनाता हूँ। और अगर एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली वो यूजर एग्जामिनर आपको देगा, ठीक है ना। तो दूसरी बात तुमने पूछी है, नो सर, हाउ वी नो दैट वी हैव यूज्ड टू फॉर्मूला सी बाय सी, ये हम नहीं जान सकते। ये अगर आपको जानना है एग्जाम के वाले से बात करो तो एग्जाम में एग्जामिनर देगा, और अगर कंपाइलर के हिसाब से बात कर रहे हो कि पाइथन क्या करता है और सी शार्प क्या करता है, तो फिर इसकी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी, जो कि ये मतलब आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी कि सी शार्प मल्टी डायमेंशनल एरे यानी टू डायमेंशनल एरे में सी बाय सी यूज करता है या आर बाय आर यूज करता है। ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट की रखी हुई होगी, उसमें लिखा हुआ होगा, बिल्कुल ओपनली लिखा हुआ होगा कि सी शार्प टू डायमेंशनल एरे में ये वाली मेथड यूज करते हैं, हम बगैर देखे नहीं बता सकते, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। आई अंडरस्टूड द फॉर्मूला, आई एम आस्किंग हाउ टू मोटी, ये बता दी मैंने आपको। टू सर, ये हमें गिवन होगा, बिल्कुल जो चीजें इस वक्त हमारे लिए कंपाइलर कर रहा है वो हम देंगे, यानी बेस एड्रेस दूंगा, वर्ड साइज दूंगा, जेके दूंगा, एम एन दूंगा, आपने सिर्फ फॉर्मूले में रखना है और फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ताकि उस फॉर्मूले में रख के जो है आंसर कर सकें। और अगर कोड के हवाले से बात करें कि कंप्यूटर कैसा करता है, तो कंप्यूटर में उसको एक कंपाइलर एक डेटा स्ट्रक्चर बनाता है, और उसमें उसने पहले जो मैंने जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कंपाइलर एक डेटा स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें वो बेस एड्रेस जैसे ही इनिशियलाइज होता है बेस एड्रेस स्टोर कर लेता है। जैसे ही मैंने ये लाइन चलाई होगी ना तो बेस एड्रेस स्टोर कर लिया होगा, उसके बाद इसका स्कोप स्टोर कर लिया होगा, स्कोप का मतलब इसका साइज क्या है ये स्टोर कर लिया होगा, उसके बाद इसके वर्ड साइज क्या है ये स्टोर कर लिया होगा। ये कंपाइलर की जिम्मेदारी है कि ये डेटा स्ट्रक्चर बना के हर आने वाले नए वेरिएबल के बारे में ये स्टोर करे। मैंने इस वाले डेटा स्ट्रक्चर का नाम भी बताया था कि ये डेटा स्ट्रक्चर जिसमें तुम स्टोर करते हो, तुमसे मुराद है कंपाइलर स्टोर करता है, सी शार्प का अपना कंपाइलर है और पाइथन का अपना कंपाइलर है, लेकिन ये डेटा स्ट्रक्चर सब में होता है, फॉर्मेट चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, किसी में ज्यादा किसी में कम स्टोरेज हो सकता है, लेकिन इस डेटा स्ट्रक्चर को हम सिंबल टेबल कहते हैं, SYMBOL, सिंबल टेबल। ये टेबल हर कंपाइलर स्टोर करता है, कंपाइलर के स्ट्रक्चर के अंदर शामिल होता है, तो उसके अंदर बेस एड्रेस शामिल होता है, तो कंपाइलर उसको स्टोर कर लेता है। जब उसको कहा जाता है कि फला लोकेशन एक्सेस करो, तो जब उसमें बेस एक्सेस का फॉर्मूला बात होती है, बेस एड्रेस चाहिए, तो वो फौरन यहाँ से कॉपी करता है, वो कहता है वर्ड बताओ क्या होगा, वो यहाँ से कॉपी करता है जो कि एग्जामिनर आपको देगा, और उसके बाद एम एन तो वो स्कोप से कॉपी करता है इसके एम एन क्या होगा, और जे के यूजर देता है कि कौन सी लोकेशन कॉपी करनी, तो इस तरह सारी चीजें उसको मिल जाती है फॉर्मूले में लगा के, वो एरिया वो सेल जो है वो कॉपी कर दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमारे, ये बात हमें आगे इस्तेमाल कतई नहीं करती, ये बड़ी मुसीबत है कि स्टूडेंट कहता है कि भाई हमें इस्तेमाल नहीं करनी तो पढ़ क्यों रहे। तो एज अ कोर प्रोग्रामर जब आप कहते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, तो उस बेसिस पे आपको इसके इंटरनल मैकेनिज्म समझना चाहिए। आज तक आपने कई एरे यूज किए होंगे, आपको नहीं पता होगा कि किस मैकेनिज्म से डेटा मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी है कि आपको ये पता हो कि किस तरह से, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप खुद सवाल बनाएं, बुक को कॉपी करके सवाल दें, मैं असाइनमेंट में सवाल दूंगा उससे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से मेमोरी के अंदर टू डायमेंशनल एरे स्टोर होते हैं। लेकिन जब हम अपने कोड में टू डायमेंशनल एरे इस्तेमाल करें तो कतई नहीं सोचेंगे कि क्या हो रहा है, अब ये सोचते भी नहीं, लेकिन अब पता चल गया कि होता क्या, ठीक है। अब टू डायमेंशनल एरे की एक्सेसिंग मैंने आपको बता दी, दो फॉर के लूप के थ्रू उसकी एक्सेसिंग होती है और दो फॉर के लूप के थ्रू। अब हम तीसरे टास्क पे आते हैं, जो इसका तीसरा टास्क है, वो है कि हम ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको एक टास्क देख के क्लास खत्म करता हूँ, 12:15 होंगे, तो टास्क में समझा भी देता हूँ, बल्कि फिर आपको एल्गो लिखने के लिए दे देता हूँ खुद, ये ना तो असाइनमेंट है ना कुछ, क्विज में अभी अपलोड करूंगा आधे एक घंटे के बाद, फौरन नहीं करूंगा, आपको रात 12 बजे तक का टाइम दूंगा और आधे एक घंटे के बाद अपलोड करूंगा, तो आप वो रात 12 बजे तक सबमिट करें। गूगल क्लास रूम में जो लोग अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए, रजिस्टर हो गए अपने आपको गूगल क्लास रूम में, और वहाँ पे जाके क्विज कॉपी कर लें और क्विज कॉपी करके क्विज को अपलोड कर दीजिएगा 12 बजे तक। अच्छा, मैं आपको सवाल ये दे रहा हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सवाल ये दे रहा हूँ कि आपने एक एरे है और उसका साइज है mn, ठीक है, mn का मतलब है उसमें m रोज है, n कॉलम्स है, समझ आ गई बात। तो आपने इस पूरे डेटा का मीन निकालना है, define mean of find
mean of MN, array. इस array का नाम सपोज कर लो MA है और आपने mean निकालना है, तो आप कहेंगे mean निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, हर सेल को एक्सेस करना होगा। तो इसका मतलब पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ट्रैवर्सिंग पढ़ रहे हैं, ट्रैवर्स करना पड़े। तो हर आपने सेल को एक्सेस करना है, हर सेल को एक्सेस करके आपने उसके डेटा को ऐड करना है, ऐड करने के बाद फिर नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना है। तो अगर ये लिखना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा, मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इसको, तो इसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, एक इनफॉर्मेशन लिखा हुआ नहीं है, मैं इस वक्त लिख रहा हूँ आपके लिए, पॉइंट नहीं लगेगा फिर क्लास भी ओवर हो जाएगी आपकी। तो मिसाल के तौर पर आप कहेंगे अच्छा मुझे पहली लाइन पे ये करना है, पहली लाइन पे ये करना है कि मेरे पास एक तो एक वेरिएबल सम का जिसको जीरो कर लूँ, ये इसलिए कर लूँ कि मैं क्या कहते हैं उसको क्यूमुलेटिव सम कर लूंगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे जाने के बाद मैं कहता हूँ फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10 m रोज है, और फिर फॉर j इज इक्वल टू 1 to n 10 कॉलम्स है, ठीक है। उसके बाद नजर गए और उसके हमने कहा सम इज इक्वल टू सम प्लस एम ए एरे का नाम है, इसके अंदर की लोकेशन को हम कॉप कर रहे हैं i और j के बेसिस पे, ठीक हो गया, आई और जे के बेसिस पे। अब इसका मतलब क्या होता है कि एम ए एरे के आई और जे लोकेशन पे जाओ, जो डेटा वहां से पिक किया है उसको सम के अंदर ऐड करो, क्यूमुलेटिव एडिशन होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब क्यूमुलेटिव एडिशन हो जाए तो आप यहाँ पे कहें कि भाई ये मैंने पहला वाला एंड फॉर कर दिया, एंड फॉर जे, देखो मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ, पता हो कि ये कौन सा फॉर एंड हो गया है, ठीक है, यहाँ पे एंड फॉर जे। और उसके बाद जब मैं नीचे आऊंगा यहाँ पे, यहाँ लिख दूंगा इस जगह पे एंड फॉर आई, ठीक। उसके बाद जब ये सारे सम हो जाएंगे, यानी मिसाल के तौर पर अगर चला के देख लो, ड्राई रन करके देखो, तो ड्राई रन में क्या नजर आ रहा होगा, ट्रैवर्सिंग हो रही है लेकिन मीन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 लेके 1 करेगा ये इसको, और कहेगा कि 1 लोकेशन पे जो डेटा है वो सम में ऐड करो, सम में इस वक्त 0 है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ 6 होता तो 6 + 0 = 6 सम में आ जाता। उसके बाद फिर ये दोबारा जे के पास जाएगा, जे को एंड क्योंकि जे के पास जाएगा जब तक जे एन तक ना चल जाए। फिर जब यहाँ आएगा तो कहेगा कि ये आई की लोकेशन 1, जे की लोकेशन 2 करके इस जगह का डेटा, यानी मिसाल के तौर पर अगर 5 है तो यहाँ पे जाओ और जो 5 डेटा तुमने पिक किया उसको सम में जो 6 पहले रख चुके उसमें ऐड कर लो, 11 हो जाएगा। और इस तरह से ये सारे डेटा को रॉ बाय रॉ जो है वो ऐड कर लेगा सम के अंदर। फिर जब आप लाइन नंबर 7 पे आएंगे तो मीन निकालना है, एवरेज निकालना, ये फॉर के बाहर है, ये फॉर से बाहर है, इसलिए एंड फॉर ऊपर कर दिया 6 नंबर लाइन। आगे एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर होगा सम डिवाइड बाय, किसके बराबर होगा, सम डिवाइड बाय क्या लिखूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, m into n, m मल्टीप्लाई बाय, यानी जो एलिमेंट, इस तरह भी कर सकते हैं, ऊपर काउंट भी करा सकते हैं, जो चाहे कर ले। काउंट का मतलब यहाँ पे जब भी ये अंदर आ रहा हो तो उसको काउंट कर लो कितने एलिमेंट, लेकिन हमें पता है क्योंकि एम एन चल रहा है तो टोटल एलिमेंट एम एन हो, तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका एवरेज आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सवाल जो मैं दे रहा हूँ, जो आपने कोशिश करनी है सवाल सॉल्व करने की, ये क्विज नहीं है, क्विज तो मैं अभी आपको क्योंकि अभी दूंगा, वो लीनियर एरे से मुताबिक होगा, 2-डायमेंशनल एरे का कोई बात नहीं, 2 और 3 का साथ में होगा। आपने क्या करना है, इंटरेस्टिंग बात तो वो ये करना है, सवाल समझने की कोशिश करना ताकि उसको एनालाइज करो और फिर काम कर सको और अच्छी तरह समझो कि कैसे हो रहा है। आपने करना है कि आपके पास एक एरे है और उसका साइज जो है वो एम एन है, ठीक है, इसका साइज जो है वो एम एन है, और आपने सॉरी एम एन 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 है, एन एन रॉ कॉलम बराबर है, यानी मैं दोबारा एक डायग्राम बना रहा हूँ, जब रॉ कॉलम बराबर हो तो वो कुछ भी हो सकते हैं, 4-4 भी हो सकता है, 3-3 भी हो सकता है, सबको फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त हमने बना दिए 5, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम बनाए तो 5 रॉज होंगे, ठीक हो गया। जब हमारे पास रॉ और कॉलम बराबर होते तो एक डायगोनल भी होता है, तो डायगोनल जो है वो ये वाला एलिमेंट।